नमस्ते दोस्तों, मेरी अमी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शकरकंदी के चाट बनाना शेयर करते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। शकरकंदी में विटामिन बी, डी और आयरन तीनों मौजूद रहते हैं और बहुत ही हेल्दी चाट बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने इस तरह से शकरकंदी को उबाल कर ले लिया है और ठंडा कर लिया है। फिर इसे छील कर और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जितना बड़ा भी टुकड़ा आपको रखना हो उस तरह से आप रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा। तो हमने इसे अच्छी तरह से कट करके और चाकू से ही अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में शकरकंदी बहुत ही ताज़ा और बढ़िया मिलता रहता है और इसका चाट बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। इसमें कोई भी तेल, घी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। इसका टेस्ट मीठा होता है और जब इसमें हम खट्टा मीठा मसाला डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी चाट बन के तैयार होगा। बाहर से मसालेदार और अंदर से मीठा सा टेस्ट लिए हुए ये चाट बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमने इस तरह से सामान ले लिया है, तो इमली का पल्प लिया है और इस तरह का हम ये बाजार से पैकेट खरीद के लाए थे, मॉल से मिल जाते हैं ये आराम से, और उसे हम एक कटोरी में डाल लिए हैं 2 चम्मच, और 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और 1 टीस्पून हमने शक्कर पाउडर डाला है। अब ये बढ़िया सा इमली का चटनी तैयार हो गया। ये ग्रीन चटनी है, हमारा धनिए का चटनी, जो इस मौसम में बहुत ही ताज़ा और बढ़िया मिलते हैं। काला नमक हमने लिया है चाट में डालने के लिए, जीरा पाउडर लिया है, काली मिर्ची पाउडर लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर को यूज कर सकते हैं। अब एक बड़े से बाउल में, जिसमें हमने शकरकंदी काट रखा था, बस इसी के अंदर अब चाट बनाना शेयर करते हैं। जितना खट्टा मीठा आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप इस चटनी को ऐड कीजिए, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। और फिर हरी वाली चटनी को ऐड करिए, धनिया की चटनी को। थोड़ा सा काला नमक ऐड करते हैं स्वाद के अनुसार। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दो से तीन पिंच हमने काला नमक ऐड किया है। थोड़ा सा काली मिर्ची ऐड करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करते हैं और 2 से 3 पिंच हमने जीरा पाउडर ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी टी टाइम एक स्नैक्स भी बन सकता है ये। बस ये तैयार हो गया, इसे एक प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही टेस्टी हेल्दी शक्करकंदी चाट तैयार हो गया।